इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है एंड। इसका मीनिंग होता है लॉजिकल एंड। इसका फॉर्मेट है एंड, डी फॉर डेस्टिनेशन, एस फॉर सोर्स। ऑपरेशन कैसे होगा? सोर्स इनटू डेस्टिनेशन इज इक्वल टू डेस्टिनेशन। अब इसमें कौन कौन से फ्लैग इफेक्टेड होंगे? इसमें फ्लैग इफेक्टेड होंगे OF, SF, ZF, PF और CF। इसके बाद जो नेक्स्ट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है वो है और। इसका मीनिंग होता है लॉजिकल इंक्लूसिव और। इसका फॉर्मेट है और, डी फॉर डेस्टिनेशन, एस फॉर सोर्स। सोर्स प्लस डेस्टिनेशन इज इक्वल टू डेस्टिनेशन। अब इसमें कौन कौन से फ्लैग्स इफेक्टेड होंगे? इसमें जो फ्लैग्स इफेक्टेड होंगे वो हैं AF, अनडिफाइंड, OF, SF, ZF, PF और CF। इसके बाद जो नेक्स्ट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है वो है XOR। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है लॉजिकल एक्सक्लूसिव OR। फॉर्मेट इसका क्या है? इसका फॉर्मेट है XOR डेस्टिनेशन सोर्स। ऑपरेशन सोर्स XOR डेस्टिनेशन। फ्लैग इसमें कौन कौन से इफेक्टेड होंगे? इसमें जो फ्लैग्स इफेक्टेड होंगे वो हैं AF, अनडिफाइंड OF, SF, ZF, PF और CF। नेक्स्ट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है नॉट। इसका मीनिंग है लॉजिकल नॉट। फॉर्मेट है इसका नॉट डी और ऑपरेशन डेस्टिनेशन बार डी बार टू डेस्टिनेशन। फ्लैग्स इफेक्टेड इसमें AF, अनडिफाइंड, नन। तो इसमें कौन कौन से डेस्टिनेशन सोर्सेस का यूज़ हो रहा है? इसमें एज अ इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो कौन कौन सी? इसमें कॉम्बिनेशन है रजिस्टर, मेमोरी रजिस्टर इमीडिएट, मेमोरी इमीडिएट और एक्यूमुलेटर इमीडिएट। ये सारे इसमें क्या है? कॉम्बिनेशन है। यदि हम बात करें लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की तो इसमें एंड के अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि यह यूज़ कर सकता है कोई भी एड्रेसिंग मोड मेमोरी टू मेमोरी और सेगमेंट रजिस्टर्स को छोड़कर। स्पेशली एंड का इस्तेमाल होता है क्लियर करने के लिए कुछ सर्टन बिट्स यानी कि मास्किंग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंड के पहले कुछ रैंडम नंबर्स हैं और लास्ट में 4 times 0, 4 times 1 है। तो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 4 times 0 आ रहा है। यहाँ पे क्या करना है? क्लियर करना है फर्स्ट 4 bits को। यदि हम एग्जांपल की बात करें तो इसका जो पहला एग्जांपल है वो है एंड BL, कॉमा 0FH और सेकंड एग्जांपल है एंड AL, कॉमा 3, 4, 5H। और जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है इसका इस्तेमाल होता है सेटिंग करने के लिए सर्टेन बिट्स के। तो इसका जो एक एग्जांपल है वो कुछ इस तरीके से कि पहले चार और चार आठ रैंडम डेटा है, उसके बाद और है, उसके बाद 4 times 0 और 4 times 1 है, इक्वल 4 times रैंडम नंबर से फिर 4 times 1 है। तो यहाँ पर सेट किया जाएगा अपर 4 bits को। नेक्स्ट इज XOR। XOR का यूज़ होगा इन्वर्टिंग बिट्स में। यहाँ पर XOR के पहले 8 bits हैं और XOR के बाद भी 8 bits हैं और इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से है। एग्जांपल क्लियर बिट्स 0 और 1, क्लियर किया जाएगा बिट 0 1 को, सेट किया जाएगा बिट 6 और 7 को, इन्वर्ट किया जाएगा बिट 5 और रजिस्टर CL। एंड CL OFCH का आउटपुट क्या आएगा? ट्रिप 4 times 1 1100B और CL 0C0H का आउटपुट आएगा 1100 4 times 0B। XOR CL 020H का आउटपुट आएगा 0010 4 times 0B। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा शिफ्ट और रोटेट इंस्ट्रक्शन के बारे में। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।